फ्रेंड्स, आज हम बात करें फ्यूचर ग्रुप की। दोस्तों, फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों के सारे शेयर धराशायी हो गए। वो लोग अपने मंसूबों में कामयाब हो गए जो कभी से चाहते थे कि स्टॉक गिरकर बहुत नीचे आ जाए। शायद वो इतने जल्दी अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होते, परंतु उनका साथ बाज़ार की भयंकर गिरावट ने दे दिया। उनके मन की मुराद पूरी हो गई और फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर इंटरप्राइज और फ्यूचर कंज्यूमर के स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ के नीचे चले गए। अब हमें यह डर लग रहा है कि कई स्टॉक और नीचे गए तो क्या होगा, लोगों को भयंकर लॉस हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फ्यूचर रिटेल के स्टॉक में 100 के पास एवरेज किया है और फ्यूचर इंटरप्राइज में लोगों ने 14 के पास एवरेज किया है और फ्यूचर कंज्यूमर में दोस्तों 10 के पास लोगों ने एवरेज किया हुआ है दोस्तों। तो उन्होंने अपनी ये एवरेज करके खरीद जो है अपनी बाइंग प्राइस नीचे लाने चाहते थे, लेकिन वो तो शेयर तो और नीचे चले गए, बहुत बुरी तरह से नीचे के लेवल पे चले गए। तो अब आप इन्वेस्टर क्या करें दोस्तों, क्या वो और इन्वेस्टमेंट करे या फिर अपने सारे स्टॉक को बेचकर लॉस बुक कर ले या फिर कोई तीसरा रास्ता इसके लिए बचता है। इन सभी सवालों के सटीक जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे, बस आपको पूरा वीडियो देखना है। अगर स्किप करोगे तो आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी और उसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे, मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बाज़ार में भयंकर गिरावट हुई। दोस्तों, शेयर बाज़ार का सबसे जो खराब पहलू है वो यही है कि शेयरों की प्राइस बढ़ने में तो बहुत वक्त लगता है, कई महीनों तक हमें प्रॉफिट के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, परंतु जब 2-3 दिन की गिरावट आती है तो हमारे महीनों की प्रॉफिट को एक झटके में लॉस में बदल देती है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ, लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जब पहली गिरावट सोमवार को हुई तो लोगों ने समझा कि कल से बाज़ार में फिर तेज़ी आ जाएगी और 2 दिन तक बाज़ार ने ऐसे सिग्नल भी दिए कि हो सकता है जैसे गुरुवार शुक्रवार से बाज़ार फिर तेज़ी शुरू हो जाए, परंतु हुआ बिल्कुल उल्टा। दोस्तों, 2 दिन की शांति के बाद आज बहुत बड़ी भयंकर गिरावट हुई। आज BSE सेंसेक्स करीब 2.96% गिरावट के साथ बंद हुआ दोस्तों, यानी सेंसेक्स में करीब दोस्तों 1114.80 पॉइंट की गिरावट हुई और सेंसेक्स करीब दोस्तों 36,553.60 पर क्लोज हुआ और निफ्टी दोस्तों 2.93% की गिरावट के साथ बंद हुई और निफ्टी करीब 326.30 पॉइंट गिरकर 10,805.55 पर क्लोज हुई। निफ्टी ने अपना 11,000 का सपोर्ट भी दोस्तों तोड़ दिया है और यही सबसे बड़ी डर की बात है कि अब बाज़ार कहां पर जाकर रुकेगा। आज सारे सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा तेज़ बिकवाली हुई, बड़े बड़े स्टॉक भी आज धराशायी हो गए दोस्तों। वैसे तो आज हमारा वीडियो फ्यूचर ग्रुप पर है इसलिए हमें वापस उसी पर चलना पड़ेगा, लेकिन बाज़ार की जो इतनी बड़ी गिरावट थी इसलिए उसको डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी था। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम तीनों कंपनियों के स्टॉक की करंट प्राइस को और आज के ट्रेडिंग को जान लेते हैं ताकि आगे की रणनीति की समझ में आए क्या करना चाहिए हमें। सबसे पहले बात करें दोस्तों फ्यूचर रिटेल की। दोस्तों, आज स्टॉक करीब 84 पर ओपन हुआ, फिर 84.70 का हाई बनाया और फिर वहाँ से शेयर नीचे आकर 82.40 पर करीब 5% लोअर सर्किट पर चला गया। आज BSE में करीब 2,70,070 शेयरों की ट्रेडिंग हुई और उसमें से करीब दोस्तों 1,73,736 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 64.33% बनता है। और NSE में दोस्तों करीब 19,59,485 शेयरों की ट्रेडिंग हुई और उसमें से दोस्तों करीब 10,52,068 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का दोस्तों 53.69% बनता है। अगर आज बाज़ार में भारी गिरावट नहीं होती दोस्तों तो आज स्टॉक में थोड़ी बढ़त हो जाती है, क्योंकि जो मूवमेंट दिख रहा था वो बढ़त का था और यहाँ से स्टॉक संभल सकता था, परंतु दोस्तों बाज़ार ने साथ नहीं दिया। अब दोस्तों बात करते हैं फ्यूचर इंटरप्राइज की। तो स्टॉक दोस्तों आज 11.90 पर ओपन हुआ, फिर 11.95 का हाई बनाया और फिर वहाँ से 11.70 पर 5% लोअर सर्किट पर क्लोज हो गया। आज BSE में करीब दोस्तों 4,10,883 शेयरों की ट्रेडिंग हुई और उसमें से करीब दोस्तों 2,49,324 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का दोस्तों 60.68% है। अब बात करते हैं दोस्तों फ्यूचर कंज्यूमर की। तो आज स्टॉक करीब 8.30 पर ओपन हुआ, फिर वहाँ से जो दिन की जो हाई थी वही बनी दोस्तों, यानी सीधा सर्किट ओपन से सीधा लोअर सर्किट पे ही चला गया, यानी 7.90 पर 5% लोअर सर्किट पर चला गया। आज BSE में करीब दोस्तों 17 लाख
15,040 शेयरों की ट्रेडिंग हुई और उसमें से करीब दोस्तों 9,46,531 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का दोस्तों 55.19% बनता है। लोअर सर्किट के बावजूद भी स्टॉक में जबरदस्त ट्रेडिंग हुई और डिलीवरी बेस्ड काम भी बहुत ज़्यादा हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों एनएससी की, तो एनएससी में करीब 56,08,948 जितने भारी वॉल्यूम में काम कर, जबकि स्टॉक में लोअर सर्किट लगा हुआ था दोस्तों, उसके बावजूद भी अच्छी खासी ट्रेडिंग हुई और उसमें से करीब दोस्तों 33,67,982 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का दोस्तों 60.05% है। यानी दोस्तों गिरते बाजार में भी जबरदस्त माल उठाया जा रहा है। दोस्तों फ्यूचर ग्रुप को पूरी तरह से बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि गिरावट लगातार जारी रहे और स्टॉक और नीचे आ जाए। लगातार न्यूज़ चलाई जा रही है दोस्तों कि फ्यूचर ग्रुप अपना पेमेंट चुकाने में डिफ़ॉल्ट कर गए हैं। अब नई न्यूज आई है दोस्तों कि फ्यूचर इंटरप्राइजेस नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के ब्याज का 15.86 करोड़ चुकाने में फेल हो गए हैं, और ऐसी न्यूज़ लगातार चलाई जा रही है। पिछले 10 दिन पहले भी ऐसी न्यूज़ चलाई गई थी, अब वापस ऐसी न्यूज़ चलाई जा रही है। और साथ में एक और न्यूज़ चलाई जा रही है दोस्तों कि कोई भी बैंक फ्यूचर ग्रुप को कर्जा देने को तैयार नहीं है और साथ में पुराने कर्जे के लिए उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। तो ये जो निगेटिविटी फैलाई जा रही है दोस्तों, सिर्फ इसीलिए ताकि लोग पैनिक में आके अपने जो भी शेयर है उनको बेच दें और किसी को बड़ा फ़ायदा हो जाए। दोस्तों आप ये बात समझ लो कि ये जो न्यूज है इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि अगर किशोर बियाणी के पास अगर पैसे होते तो अपना इतना खून पसीने का जो बनाया हुआ कारोबार बेचते थोड़ी, तो उनके पास तो पैसे थे नहीं, इसीलिए तो उन्होंने अपना जो कारोबार है बेचा है। लेकिन वो कारोबार आज फाइनल थोड़ी डील हो गई है, उसमें भी बहुत सारे पेच है। अभी तो वो CCI के पास गया है परमिशन के लिए, वहाँ से अप्रूवल हो जाएगी। फिर बहुत सारे और भी गवर्नमेंट एजेंसी है जैसे NCLT है, SEBI है, वहाँ सब जगह से परमिशन हो जाएगी, उसके बाद में वो डील फाइनल होगी, तब जाके किशोर बियाणी आगे कुछ कर पाएंगे। लेकिन उसके पहले जो ये सब माहौल बनाया जा रहा है वो सिर्फ शेयरों को गिराने के लिए किया जा रहा है दोस्तों, और इसके लिए उस चक्कर में फंसने की हमें ज़रूरत नहीं है और हमें फ़िलहाल लॉस बुक करके किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलना है। अभी दोस्तों सिर्फ हमें इंतज़ार करना है और वेट एंड वॉच करना है। दोस्तों अगर आपसे हो सके तो आप थोड़ा और एवरेज कर लें, लेकिन एवरेज करने के लिए आपको भी इंतज़ार करना है। कल किसी हालत में मार्केट में कामकाज न करें, सोमवार का इंतज़ार करें। अगर सोमवार को मार्केट पॉजिटिव दिशा में आ जाता है तो आप सोमवार को उसमें थोड़ी बहुत खरीदारी कर सकते हैं, या फिर मंगलवार का इंतज़ार करें। पर जब तक बाजार में पॉजिटिव माहौल न बने कभी भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट न करें, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं कर सकते, अभी अनसर्टन माहौल है, कुछ भी हो सकता है। और बाज़ार फिलहाल बहुत ज़बरदस्त पैनिक माहौल बाज़ार में बन चुका है और भयंकर डर का वातावरण बना हुआ है, इसलिए ऐसे मार्केट में अभी इन्वेस्टमेंट करना बेवकूफ़ी कही जाएगी दोस्तों। इसलिए थोड़ा इंतज़ार करें और बाद में अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि जिससे आपकी जो बाइंग प्राइस भी नीचे आ जाएगी और उसमें आपको थोड़ी सी जल्दी आपकी जो बाहर निकलने की संभावना बन जाएगी, थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों इसको बेच के आपको लॉस बुक नहीं करना है। लेकिन दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।